बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज के साथ मैं हूं नवीद बिलावल। सबसे पहले आपकी हेडलाइन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव तश्वीशनाक है, मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 803 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिंध में 352 मरीज जेर इलाज। पंजाब में 225, बलोचिस्तान में 108, गिलगित बल्तिस्तान में 71, केपीके में 31, इस्लामाबाद में 11 अफराद मुतासर। कराची में लॉकडाउन, सड़कें वीरान, इलाके सुनसान। पुलिस का फ्लैग मार्च, शहरियों को घरों में रहने के ऐलानात। 48 घंटे में एक बार खरीदारी के लिए निकल सकते हैं, मगर इसके लिए शनाख्ती कार्ड साथ रखना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, निजी गाड़ियों में से 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डलवाने की इजाजत नहीं। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। 107 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद पुलिस ने किसी की उठक बैठक करा दी तो किसी की मोटरसाइकिल की लाइट्स तोड़ दी। पैदल चलने वालों की लाठियों से तवाजो। सक्कर में खिलाफ वर्जी पर 150 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बैन अज़ला पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां। 7 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां। 447 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी। लाहौर में क्लोरीन का स्प्रे। रायवण इज्तिमा के मरकज को क्लोरीन से धुलवाया गया। हुकूमत पंजाब की नाफिज करदा दफा 144 का खुल्लम खुल्ला मजाक। वजीर आला के अपने काबीना अरकान ही धज्जियां उड़ाने लगे। मुजफ्फरगढ़ में एमपीए सरदार खुरम लखारी की सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार बेरोजगार, मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे, कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या सब हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्या इंफरादी तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? डॉक्टर उसामा शहीद, आप हमारा फख्र हैं। डॉक्टर उसामा जान हथेली पर रखकर कोरोना मरीजों का इलाज करते रहे, खुद भी वायरस का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गए। सूबाई हुकूमत ने कौमी हीरो करार दे दिया। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3 लाख से बढ़ गई। हलाकतें 14,000 तक पहुंच गईं। इटली में लाशों के ढेर। 24 घंटों में मजीद 651 जिंदगियां खामोश। कनाडा का ओलंपिक्स 2020 से दस्तबरदारी का ऐलान। अमरीकी सेनेटर रेड पॉल में भी वायरस की तजवीज। जर्मन चांसलर एंगला मर्कल ने करंटीना कर लिया। अडयाला जेल में कैद 408 कैदियों की दरखास्त जमानत कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेंगे। 203 कैदियों को पहले ही रिहा किया जा चुका है। बीमार और 2/3 सजा पूरी करने वालों की रिहाई की भी तजवीज। और सवाबी में घरेलू तनाजे पर मुखालिफ शख्स की फायरिंग से बाप बेटी जाँ बहक। मकतूल की बीवी ने कुल्हाड़ी के वार से कातिल को भी मार दिया।